और बैठी सुनती जो भाई है, बीड़ी सिगरेट और तमाकू की पीने की शक्ति तया न सोरी मचाएगी, तया न सोरी मचाएगी, जो बिघिन करेगी प्रांगण में वो स्वांग समझ लेना। और ढोंगे आडंबरी को दादा भाइयों मत खुली लगा, कहने का मतलब हो मेरे धम्म प्रेमियों, आधुनिक समय में मनुष्य के पास में किसी भी चीज की, किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। कमी है तो हर आदमी के पास में टाइम की कमी है। क्यों भैया? सही बात है ना। किसी से भी पूछ लिया जाए, ना तो सम्मान की कमी है, ना संतान की कमी है, ना धन धाम की कमी है, ना सम्मान की कमी है। कमी है तो हर आदमी के पास में टाइम की कमी है। क्या करें, कथा सुन तो आते टाइम ही नहीं है। बड़ी गर्मी पड़ रही है, लपट चल रही है। चाहे सारे दिन फ्री घर पे बैठे रहे, लेकिन मैं देख रही हूँ इतना बड़ा गांव है और फिर भी पांडाल में मात्र केवल चंद्र लोग ही बैठे हुए हैं। बड़ी समस्या है। अगर बुद्धि कथा की जगह पर यहीं पर सपना चौधरी आई होती तो यहाँ पर पांडाल में बैठने के लिए जगह नहीं पूछती, क्योंकि सत्य बात लोगों को अच्छी नहीं लगती है। ये सत्य कथा हो रही है तो अच्छी नहीं लगती है। कहने का मतलब हो लला दिलीप, वही हाल है ना। एक तरफ गांव में दूध वाली डेयरी की दुकान खुलवाई जाए और एक तरफ शराब के ठेका की दुकान खुलवाई जाए। विचार करो भीड़ कहां पर ज्यादा होगी? ठेका पर होगी ना। कहने का मतलब अगर दूध लेने के लिए जाएंगे, डेयरी पर जाएंगे, तो वहां ये कहेंगे भैया ये बताओ ये तुम्हारा दूध गाय का है या भैंस का है कि बकरी का है या सांप का है। कहने का मतलब बार बार क्वेश्चन करेंगे और बुद्धि सुधार केंद्र पर चले जाएंगे। वहां ये नहीं कहेंगे भैया जब बताओ जे शराब तुम्हारी कल की है कि परसों की है, एक महीना पहले की रखी है कि छह महीना पहले की रखी है। केवल ब्रांड पूछते हैं। उसी प्रकार से सत्य बात लोगों को अच्छी नहीं लगती है। और आधुनिक समय में देखा जाए मनुष्य के पास में किसी भी बात की, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। कहने का मतलब अगर मनुष्य के पास में साइकिल है तो विचार कर रहे अब की बार तो लेसन बहुत महंगा चल रहा है, अब तो मोटरसाइकिल लेंगे। और जब मोटरसाइकिल अपाची ले ली तो और जिज्ञासा बढ़ गई। कहने लग अब तो चार पहिया की होनी चाहिए, मोटरसाइकिल पर बड़ी लपट लगती है, अब तो फोर व्हीलर होनी चाहिए, स्कॉर्पियो होनी चाहिए। और जब फोर व्हीलर ले ली तो अब तो फोर व्हीलर पर भी अच्छा नहीं लगता, अब तो उड़ने के लिए हेलीकॉप्टर होना चाहिए।
तो कहने का मतलब हो मनुष्य की इच्छाएं जीते जीता को कभी पूर्ण नहीं होती हैं। मेरे धम्म प्रेमियों, आधुनिक समय में देखा जाए मनुष्य के पास में टाइम नहीं है, और टाइम कैसे नहीं है, इस संसार में जो भी काम हो रहे हैं वो बहुत जल्दी हो रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के पास में टाइम नहीं है। कछु करे तो जल्दी, चले तो जल्दी, खाए तो जल्दी, परे तो जल्दी, उठे तो जल्दी, और जब संसार से प्राणी अंतिम श्वास को लेकर के जाता है तो भी जल्दी चला जाता है। महाराज, टाइम की बहुत बड़ी कमी, इसलिए संसार में आए हो तो सभी से प्रेम करो, क्योंकि आधुनिक समय में देखा जाए एक दूसरे से बड़ी नफरत है, जलन है, घृणा है। मनुष्य मनुष्य को नहीं देख रहा है, क्यों? मेरे धम्म प्रेमियों, विचार करना चाहिए प्राणी को। धन दौलत तो सब यहीं पर पड़ा रह जाता है, कोई प्राणी साथ लेकर के कुछ भी नहीं जाता है। जब संसार से मनुष्य जाता है अंतिम श्वास को लेकर के खाली हाथ चला जाता है। कहने का मतलब हो अंतिम समय पर सारे कपड़े भी झाड़ लिए जाते हैं, कहीं कुच्चा वाले पैसे तो नहीं रखे, है ना? तो मेरे भाइयों, जब संसार में आए हो और सभी को जाना है, और जब सभी को जाना है फिर क्यों घमंड में जले मरे जा रहे हो? ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, जमीन मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं। जब तक श्वास है तब तक तो तुम्हारा सब कुछ है, और श्वास निकलने के बाद सब कुछ यही पड़ा रह जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। तो कहना है मेरे बंधुओं, और मानव तेरे जीवन की क्या अजब कहानी है, जो समझा वो ज्ञानी है, ना समझा ना दानी है। जो समझा वो ज्ञानी है, ना समझा ना दानी है। पिता की नगरी में भ्रमण किया, उन्होंने तरह तरह के दृश्यों को देखा, वृद्ध मानव को देखा, रोगी को देखा, मृतक शरीर वाली अर्थी देखी, अंत में बैरागी को देखा। जब उन्होंने देखा संसार में दुख ही दुख समाया हुआ है, जन्म भी दुख है, जवानी भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, और अंत में मृत्यु भी दुख है, तभी उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया। माता पिता, पुत्र पत्नी, सुख संपत्ति, इष्ट मित्रों, सभी को छोड़ दिया, और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने वैराग्य को धारण किया।
जन्म तेरा दुख में दुख भरी जवानी है, पहलो सुख निरोगी काया। कहने का मतलब जिसका शरीर स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है संसार में, उससे बड़ा कोई सुखी नहीं है। और घर में अपार दौलत भरी हुई है, किसी भी बात की, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन न तो चैन से खा पा रहे हैं न सो पा रहे हैं, तो ऐसी दौलत का भी क्या होगा। तू समझ जरा प्राणी आ, तू समझ जरा प्राणी ये देह बिरानी है, तू समझ जरा प्राणी ये देह बिरानी है। सोने का पानी है, पीतल के गहनों पर सोने का पानी है, सुनाती हूँ तुम्हारी उपदेशों को, जन जन को सुनाती हूँ। बौद्ध जी से गुरुवर से ध्यान मिला ललिता समझाती है, गुरुवर से ज्ञान मिला ललिता समझाती है। पीतल के गहनों पर सोने का पानी है, पीतल के गहनों पर बोली भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की। देख रे लला बड़ी धीरे धीरे दया हो रही है, जल लग रही है, माताओं बहनों को दो चार दिन से रोटी